आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट फ्री एआई राइटर्स के बारे में 2023 के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स, ब्लॉगिंग और एआई राइटर्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। रिसेंटली एआई राइटर्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि सबको इसका एक्सटेंसिवली ही यूज़ करना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसको टेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं या इंस्टाग्राम कैप्शन। तो इन सब के लिए फ्री में भी टूल्स अवेलेबल है जो कि आपको कुछ लिमिटेड डेटा देते हैं, लिमिटेड क्रेडिट्स देते हैं, लिमिटेड वर्ड्स देते हैं, जिसके थ्रू आप लोग अपना काम कर सकते हैं। अगर आप लोग रेगुलरली और एक्सटेंसिवली यूज़ करते हो तो फ्री से आप लोगों का काम नहीं होगा। यू शुड गो विथ पेड एआई राइटर्स। पेड एआई राइटर्स का वीडियो मैं बहुत जल्दी ले आऊँगा इस चैनल के ऊपर। बिफोर आई स्टार्ट, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, पहले तो मुझे किसी ने भी इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। सेकेंड, एआई राइटर जो है वो एक पेड सर्विस रहती है यूजुअली। अगर कोई कंपनी आपको सर्विस दे रही है तो बैक एंड पे उस एपीआई के लिए पैसे दे रही है। तो इफ़ दे आर गिविंग यू इट फॉर फ्री तो ऐसा नहीं रहेगा कि वो आपको अनलिमिटेड दे देंगे। वो सिर्फ खुद स्पेसिफिक वर्ड्स ही देंगे ताकि आप लोग फ्यूचर में उसको अपग्रेड कर लो। तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि कोई भी जो भी मैं टूल्स बता रहा हूँ उस पर आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा। इट्स यूजुअली फ्यू लिमिटेड वर्ड्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बेस्ट फ्री एआई राइटर्स फॉर 2023। जो अभी मैं लिस्ट बताऊंगा इन सब पे आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो हर महीने रिन्यू हो जाएंगे। एंड इसकी अगर डिटेल्ड लिस्ट चाहिए आपको तो वो आपको हमारे ब्लॉग पोस्ट पे मिल जाएगी। एंड ये सारे एआई राइटर्स है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर और जाके ब्लॉग पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट दैट। लेकिन जिनको और डिटेल्स चाहिए दोस पीपल कैन वॉच दिस वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हमारे नंबर वन आइटम से, वो है copy.ai। copy.ai इज वन ऑफ द बेस्ट एआई राइटर्स इवन इन पेड। एंड यहाँ पर आपको फ्री में 2000 वर्ड्स पर मंथ मिल जाते हैं। कुछ इस तरह का copy.ai का इंटरफेस दिखता है। यहाँ पर आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं, ब्लॉग टूल्स, वेबसाइट कॉपी, एड कॉपी एंड लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट। आई थिंक वो सिर्फ प्रो पेड वर्जन में है, बट फ्री वर्जन में यू कैन एक्सेस द शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट। और ये जो है, इसके जो आउटपुट्स थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। आउटपुट्स फॉर सोशल मीडिया, डिजिटल कॉपी, शॉर्ट फॉर्म के लिए इसमें जो आउटपुट्स मुझे दिए थे वो काफ़ी अच्छे हैं। एंड ये सारे अगर आपको आउटपुट्स देखने हैं तो वो आपको हमारे ब्लॉग पोस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने सारे इनपुट्स डाले हैं कि अगर बायो में हमने ये इनपुट डाला है तो हमें क्या आउटपुट मिला है, क्या रेटिंग है हमारी। तो ये सारे यहाँ पर आपको इनपुट्स एंड आउटपुट्स ब्लॉग में मिल जाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक दैट आउट। सेकेंड जो है हमारे पास, दैट इज़ राइटर। राइटर भी काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ पर आपको 10,000 कैरेक्टर्स पर मंथ मिलते हैं। वर्ड्स पे किया जाए तो अप्रॉक्स अगेन यहाँ पर भी आपको 2,000 वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करूँ तो जैसे आप लोग लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड से यू कैन सिलेक्ट कि आपको क्या चाहिए। ब्लॉग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, टॉपिक, टाइप्स ऑफ कॉफी बीन्स, आई राइट, आई क्लिक राइट फॉर मी एंड देन ये एआई आपको आउटपुट दे देगी। इन माय ओपिनियन एड कॉपी यहाँ पर अच्छी थी, सोशल मीडिया के लिए इसने अच्छे से किया था, ईमेल्स के लिए अच्छे से किया था और ब्लॉग के लिए भी इट वाज डिसेंट। एसईओ भी ये कर देता है। नेक्स्ट वन इज़ राइट क्रीम। राइट क्रीम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 20 क्रेडिट्स मिल रही है जिसमें 40,000 कैरेक्टर्स है। तो अराउंड आपको यहाँ पर 6 से लेकर 10,000 वर्ड्स तक मिल जाएंगे। और लेट्स गो टू डैशबोर्ड। ये कुछ डैशबोर्ड आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ इनकी अच्छी लगी, यहाँ पर इन्होंने कैरेक्टर्स बोला है लेकिन एक्चुअल में कैरेक्टर्स नहीं है, इट इज़ क्रेडिट्स। और क्रेडिट्स एक्चुअल में कम है तो वर्ड्स के हिसाब से इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ 20 क्रेडिट्स दिए हैं। 20 क्रेडिट कैसे रन करते हैं कि एक क्वेरी के लिए एक क्रेडिट यहाँ पर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई गो टू ईमेल टूल्स एंड अगर यहाँ पर मैं कुछ भी करता हूँ, जैसे ईमेल पर्सनलाइजेशन, लिंक्डइन पर्सनलाइजेशन, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी एक चीज़ का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एक क्रेडिट कंज्यूम हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉन्ग फॉर्म के लिए अच्छा है। लॉन्ग फॉर्म पे आपके 7 क्रेडिट्स कंज्यूम हो जाएंगे एंड बाकी जितने भी है सब पे एक एक क्रेडिट फॉर वन क्वेरी इट विल यूज़। तो लॉन्ग फॉर्म के लिए मुझे अच्छा लगा। इफ़ यू वांट फॉर लॉन्ग फॉर्म यू कैन यूज़ इट। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है न्यूरो फ्लैश। न्यूरो फ्लैश में भी आपको 2000 वर्ड्स पर मंथ मिल जाएंगे। ये भी मुझे फ्री में लॉन्ग फॉर्म के लिए अच्छा लगा है। तो अगर आपको 2000 वर्ड्स का कोई आर्टिकल लिखना है तो यू कैन यूज़ दिस। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। आई विल क्लिक द एआई राइटर। एआई इमेजेस भी है लेकिन आज हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एंड इसके अगर मैं इंटरफेस के बारे में बात करूं तो एडिटर कुछ इस तरह का है। एंड लॉन्ग फॉर्म के लिए इट इज़ गुड, शॉर्ट फॉर्म के लिए इतना अच्छा नहीं है, बट लॉन्ग फॉर्म के लिए यू कैन यूज़ इट। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड में यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें देखने को मिलती है। इनका एक ग्राफिक डिज़ाइन है, एक वीडियो एडिटर है, एआई राइटर है
और सोशल मीडिया पब्लिशिंग भी है, लेकिन आज सिर्फ क्योंकि हम लोग एआई राइटर के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ मैं उसी के ऊपर ही फोकस करूंगा। आई विल सिलेक्ट एआई राइटर। यहाँ पर आपको 3000 वर्ड्स पर मंथ मिल जाते हैं जो कि मेरे हिसाब से अच्छी लिमिट है फॉर अ फ्री टूल। एंड जैसे ही आप लोग लॉग इन करोगे, एआई राइटिंग को सिलेक्ट करोगे, यहाँ से ये सारे ऑप्शन है, आई हैव सिलेक्टेड एआई राइटिंग। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मिल जाती है, लॉन्ग फॉर्म के लिए भी है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म में जो मुझे आउटपुट मिले थे वो अच्छा नहीं था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इसका शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट है, एड्स है, वेबसाइट कॉपी है, ब्लॉगिंग है और SEO के जो भी थोड़े बहुत टूल्स हैं वो सब मुझे यहाँ पर अच्छे देखने को मिले थे। सोशल मीडिया वो भी डिसेंट था। नेक्स्ट जो टूल है हमारी लिस्ट में वो है राइट मी पे आपको 2000 वर्ड्स पर मंथ मिल जाते हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर आपको पर मंथ ही देखने को मिलेगा, मींस ये रिन्यू हो जाएंगे हर महीने, दैट्स द बेस्ट पार्ट। राइट मी में आपको 2000 वर्ड्स मिल जाएंगे। इंटरफेस के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यू कैन गो टू एडिटर, यू कैन गो फॉर सम लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट और शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ से चल जाएगा। एंड ठीक है, डिसेंट सा लगा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, बट फ्री है तो यूज़ करके देख सकते हो इफ यू वॉन्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल्स है वो पैराफ्रेजिंग के लिए है, कॉन्टेंट रीराइटिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉन्टेंट है, मुझे इसको रीराइट करना है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ एकदम बेसिक इंग्लिश में लिख लेते हैं एंड देन वी वॉन्ट कि उसको थोड़ा एडवांस इंग्लिश में किया जाए, तो इसमें ये टूल हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर 7 डेज वेकेशन, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई लाइक टू रिक्वेस्ट अ 7 डे वेकेशन, टेकिंग माई फैमिली ऑन अ वेकेशन, वैन आई रिटर्न आई विल फिनिश माई वर्क। तो प्रॉपर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थोड़ी एडवांस इंग्लिश का यूज़ किया गया है, प्रॉपर सेंटेंसिंग है, पंक्चुएशंस प्रॉपर यूज़ किए गए हैं। एंड इस ये भी फ्री में यूज़ किया जा सकता है। इसमें अप्रॉक्स 125 वर्ड्स हैं जो आप लोग एक टाइम पे यूज़ कर सकते हो पैराफ्रेजिंग के लिए, और ऐसे आज सच कोई लिमिट नहीं है। तो आप लोग चाहो तो इसको ब्लॉक में करके 125 पहले कर लो, फिर उसके बाद 125 कर लो। तो इफ़ यू आर राइटिंग सम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, आप लोग ब्लॉग वगैरह लिख रहे हो, तो पैराफ्रेजिंग का यूज़ कर सकते हो, आपका जो बेसिक इंग्लिश है उसको थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर कर देगा, प्रोफेशनल लुक दे देगा ये। तो ये भी फ्री में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज वर्ड ट्यून। इसका जो क्रोम एक्सटेंशन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से इसका क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे वर्क करता है। ये मैंने अपने बेस्ट क्रोम एक्सटेंशंस फॉर ब्लॉगर्स और फॉर प्रोडक्टिविटी वाले में भी इंक्लूड किया था, उसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 10 credits पर डे मिलते हैं। मीन्स यहाँ पर जितने भी मैं लिखूंगा, अगर मुझे इसको करना है, इसको मुझे यूज़ करना है वर्ड ट्यून करके, मुझे इसको थोड़ा और एक्साइटिंग मैनर में लिखना है, तो एक बार मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो मेरा 1 credit कंज्यूम हो जाएगा, 2 बार क्लिक कर दिया तो 2 credit कंज्यूम हो जाएंगे। तो 10 credits 10 rewrites पर डे यू विल गेट विद दिस क्रोम एक्सटेंशन फॉर फ्री। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, बिकॉज काफ़ी रिसर्च एंड इनपुट एंड सब पे अकाउंट क्रिएट करना वो सब लगता है, और किसी ने भी इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है। तो अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो यू कैन सपोर्ट अस बाय लाइकिंग दिस वीडियो, बाय कमेंटिंग, ताकि वी विल वर्क मोर towards videos like this, it really motivates us a lot. तो काम पसंद आता है तो do share your opinions कि कैसा लग रहा है, नहीं पसंद आ रहा है तो वो भी आप लोग share कर सकते हो कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है। Next is free AI writer trials. अब इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको credits मिलेंगे, वो सिर्फ वन टाइम के लिए रहेंगे, कुछ स्पेसिफिक दिनों के लिए रहेंगे, लेकिन आप लोग जो मैंने अभी तक इससे पहले बताया वहाँ पे रिन्यू हो रहे थे हर महीने, तो यहाँ पे रिन्यू नहीं होंगे, सिर्फ एक बार आपको ट्रायल पे मिल जाएगा। किसी में आपको क्रेडिट कार्ड एंटर करना पड़ेगा, किसी में क्रेडिट कार्ड नहीं डालना पड़ेगा। जिसमें क्रेडिट कार्ड डालना पड़ेगा, अगर आप लोग उसमें प्लान एक्टिवेट होने से पहले, जैसे अगर आपको 5 दिन का फ्री क्रेडिट्स मिल रहे हैं तो 5 दिन से पहले अगर आप लोग उस अपने प्लान को कैंसिल कर देते हो तो आपको कोई अमाउंट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इन केस यू वांट टू ट्राई अदर टूल्स, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जो सबसे पहले है वो है राइट सोनिक। राइट सोनिक का जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएशन है, जो टेम्पलेट्स है, वो बहुत मुझे अच्छी लगी है। इसका आउटपुट भी काफ़ी अच्छा था। इसका डिटेल रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ, हमारे ब्लॉग पे आपको मिल जाएगा। जितने भी मैं यहाँ पर AI राइटर्स बता रहा हूँ उसमें मैक्सिमम के हम लोग डिटेल रिव्यूज़ कर चुके हैं। तो राइट सोनिक पे आपको 2500 वर्ड्स फ्री में मिल जाएंगे, और कोई भी क्रेडिट कार्ड के यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वन टाइम के लिए मिलेगा। और एक बार आप लोग इसको कंज्यूम कर लोगे तो उसके बाद कोई भी फ्री वर्ड्स आपको पर मंथ नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो है स्केलनट। स्केलनट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है लॉन्ग फॉर्म के लिए, ब्लॉग के लिए, SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसका भी डिटेल रिव्यू हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर आपको 7 डे फ्री ट्रायल मिल जाएगा, एंड इसमें यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड डालना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड डालने के बाद 7 डे फ्री ट्रायल में यू कैन यूज़ 1 lakh words, सो दैट्स रियली गुड। तो इसमें इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई। राइट सोनिक में कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है। नेक्स्ट इज जैस्पर। जैस्पर पे आपको यहाँ पर 5 डे फ्री ट्रायल मिल जाएगा, 10K credits मिल जाएंगे। जैस्पर बहुत अच्छा है मेरे एक्सपीरियंस में, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो अगर आपको सिर्फ एक बार ट्राई करना है कुछ टाइम के लिए तो यू कैन यूज़ दिस फ्री ट्रायल, लेकिन यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी एंटर करनी पड़ेगी, तो मेक श्योर यू कैंसिल योर ट्रायल बिफोर 5 days। नेक्स्ट इज इंक। इंक में आपको 5 डे फ्री ट्रायल मिल जाएगा, 10,000 words मिल जाएंगे, और किसी भी क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी AI राइटिंग के लिए, SEO जो टूल्स है शॉर्ट फॉर्म वगैरह के लिए, इट वॉज डिसेंट इन माई एक्सपीरियंस।
नेक्स्ट वन है कॉपी स्मिथ। कॉपी स्मिथ और राइटर है, दोनों सेम ही है। कॉपी स्मिथ ने राइटर को एक्वायर कर लिया था एंड देन रिसेंटली इन्होंने फ्रेज को भी एक्वायर कर लिया था, तो तीनों एक ही खेत की मूली है। अगर इसके हम लोग यहाँ पर फ्री ट्रायल के बारे में बात करें तो 7 डे का आपको यहाँ पर फ्री ट्रायल मिल जाएगा, कोई भी क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इसमें यहाँ पर आपको अप्रॉक्स 20,000 वर्ड्स मिल जाएंगे इन द फ्री ट्रायल ऑफ 7 डेज। सो ये थे कुछ मेन फ्री AI राइटर्स। आपने कौन सा यूज़ किया है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यहाँ कोई मैंने AI राइटर को मिस कर दिया जो कि फ्री भी है और काफ़ी अच्छा भी है जो आपको पता है, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, आई वुड लव टू चेक इट आउट। एंड अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए तो वो आपको हमारे डिटेल्ड आर्टिकल में मिल जाएंगे, उसको रेगुलरली अपडेट भी किया जा रहा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। सो दैट्स इट फॉर दिस वन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।